तो हम लोग बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा चल रहा था एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इससे पहले इस चैप्टर की मैं आपके लिए दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग लास्टली बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो चैप्टर था हमारा एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, छोटा टॉपिक, इजी टॉपिक, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आखिर हम लोग मतलब समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, देखो एक चीज तो है, डेवलपमेंट वर्ड जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट का मतलब आपको विकास करना है, बट विकास कैसे करना है? सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब है कि डेवलपमेंट आपको इस प्रकार से करना है हमारी इकोनॉमी का कि हम लोग तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सकें, साथ में जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज का ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सके, इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप कहोगे सर वो तो यूज़ हम लोग भी कर रहे हैं, आज से पहले भी कर रहे थे और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। देखो जनरली क्या है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जनरली हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ कोयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह, जो आपके बहुत जल्दी, जो कह सकते हैं लिमिटेड मात्रा में है, जो जल्दी ही समाप्त हो सकते हैं। बट अगर हम इनको पूरी तरीके से एक्सप्लोइट करें, हम इनको पूरी तरीके से बर्बाद करें, क्या होगा? ये रिसोर्सेज बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। क्या फ्यूचर में आगे आने वाली जनरेशन इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएगी? आंसर होगा नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम ही लोग बर्बाद कर देंगे। तो हमें क्या करना है? डेवलपमेंट इस प्रकार से करना है, काम इस प्रकार से करना है कि हम तो इन रिसोर्सेज का बेनिफिट उठा ही रहे हैं, हम तो इन्हें यूज कर ही रहे हैं, साथ में इसमें बचा के भी रखा जाए ताकि जो फ्यूचर में आगे आने वाली जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। कुल मिला के हमें यहाँ पर रेशनल मैनेजमेंट करना है इन रिसोर्सेज का, ठीक। देखो वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास अनलिमिटेड है, जैसे सोलर एनर्जी हुआ, आपकी विंड एनर्जी हुआ, क्या इनका मैनेजमेंट करना जरूरी है? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो वैसे अनलिमिटेड है, आप कितना भी यूज कर सकते हो, बट वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड मात्रा में मौजूद है उनका आपको रेशनल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे पेट्रोलियम हुआ आपका, डीजल हुआ, ये सब आपका क्रूड ऑयल हुआ, ये सब इनका आपको रेशनल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इन्हीं से आपका बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो हम लोग सबसे पहले तो डेफिनेशन समझते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस। पहली चीज तो ये प्रोसेस है किस चीज के, विच फुलफिल्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जो कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन चल रही है उसकी नीड को फुलफिल कर सके, यानी हम लोगों की इच्छाएं तो पूरी हो सके, हम लोगों की इच्छाएं तो कंप्लीट हो सके, विदाउट चैलेंजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक। जबकि हम जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनको चैलेंज ना कर, मतलब उनके लिए भी रिसोर्सेस बचे हुए रखें टू फिलफिल देयर नीड्स, ताकि वो भी अपनी नीड्स को पूरी कर सकें, इम्प्लाइंग दैट रिसोर्सेज आर नॉट फुली एक्सप्लोइटेड। कुल मिला के मतलब सिर्फ यही है कि रिसोर्सेज को पूरी तरीके से एक्सप्लोइट नहीं करना है, तो बट रेशनली यूटिलाइज्ड, जबकि इनको हमें रेशनली यूटिलाइज्ड करना है, यानी सिर्फ जहां जरूरत है सिर्फ वहां उपयोग करना है, फालतू बर्बाद नहीं करना है नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेशनल मैनेजमेंट, ठीक। अब जरा देखो बात करते हैं फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। सबसे पहला पॉइंट है सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो इकोनॉमिक वेलफेयर तो आप समझते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर होगा, बट यहां पर एक लाइन लिखी हुई है सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम। मेन मुद्दा तो यहां है राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम। ये रियल पर कैपिटा इनकम क्या होती है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज तो इनकम बढ़ने की बात करें और रियल इनकम की बात करें, जरा सुनना। सपोज करो मैं यहां से कार से 20 किलोमीटर गया, कार से गया, खुद की कार लेके गया, अकेला ही गया, लगभग डीजल खर्च हुआ सपोज करो 500 रुपए का, ठीक। डीजल खर्च हुआ 500 रुपए का, अगर मैं बस से ट्रेवल करता, जाना मेरे को 20 किलोमीटर था, बैठ के ही जाना था, कार से मेरी मेहनत भी लगी, रिसोर्सेज भी ज़्यादा वेस्ट हुए, चलो सपोज करो मैं अगर वही 20 किलोमीटर बस से तय करता, बस से कितने रुपए लगते? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 50 रुपए, चलो 100 रुपए मान के चलो, ठीक। बस से ट्रेवल करने पे 100 रुपए, कार से ट्रेवल करने पे 500 रुपए,
ये बताओ अगर मैं कार की जगह बस से ट्रेवल करूं तो क्या मेरे 400 रुपए बचेंगे या नहीं बचेंगे? आपका आंसर होगा हाँ बचेंगे। तो सेम यही चीज है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज को, जो मैंने डीजल को इस्तेमाल किया उससे बचा के मैं अपनी जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ देखा जाए तो मेरी इनकम इंक्रीज हुई। इंक्रीज कैसे हुई है? पहले वहां मैं 500 खर्च कर रहा था, वहां कितने खर्च कर चुका? 400 रुपए बचा चुके, यानी खर्च सिर्फ 100 रुपए ही हुए। तो हम यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज करके हम अपनी रियल इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक। तो आप एग्जांपल के द्वारा इस पॉइंट पे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको आपको रेशनली यूटिलाइज करना है। रेशनल तो समझ गए ना कि यूटिलाइज्ड इस प्रकार से करो कि हम भी इनका यूज कर सकें, साथ में जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज का यूज कर सके, ठीक। तो यानी कुल मिला के हमें इन रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करना है, ठीक तरीके से यूज करना है। सिर्फ जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स टू बी इम्पेयर्ड। तो जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स भी पूरी हो सकें। जैसे हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वैसे ही आगे आने वाली जनरेशन भी इन रिसोर्सेज को इम्पार्शियल तरीके से यूज़ कर सके। ऐसा नहीं है कि हम लोग बर्बाद कर देंगे तो उनके लिए बहुत कम बचेगा, ऐसा नहीं करना है। हम लोग भी कम से कम इस्तेमाल करें, वो लोग भी कम से कम इस्तेमाल करेंगे, आगे आने वाली जनरेशन भी कम से कम इस्तेमाल करेगी, ताकि ये रिसोर्सेज काफ़ी लंबे समय तक चलते रहे हमारे पास। और लास्ट पॉइंट हमारे पास इस टॉपिक का वो है चेक ऑन पॉल्यूशन। तो इनसे क्या होता है, ओवरऑल पॉल्यूशन भी कंट्रोल होता है हमारा। तो अगर हम लोग ये सारे पॉइंट देखें, ये सारे फीचर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और हम देखें अगर हमसे बेनिफिट पूछें तो ये हमारे बेनिफिट भी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ठीक। नेक्स्ट आओ स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी हमारे देश के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक तरीके से विकास हो, रिसोर्सेज भी कम से कम वेस्ट हो, तो इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, इंपॉर्टेंट है। 9 पॉइंट है, हम 9 के 9 पॉइंट पढ़ेंगे, हम एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? आपको पता है 12th क्लास में है, कहाँ से क्या पूछ लें, कौन से पॉइंट के अंदर से पूछ लें, हमें खुद भी नहीं पता, ना मुझे पता ना आपको पता, ठीक। इसलिए 9 के 9 पॉइंट पढ़िए, सारे पॉइंट जबरदस्ती हेडफोन लगा के कान में, भले बोर हो थ्योरी से बट फिर भी हेडफोन लगा के सुन जरूर लेना। सुनोगे बातें याद रहेंगी और आप एग्जाम में लिखोगे, भले आप टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखोगे बट लिखोगे जरूर, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। चलो आ जाओ, स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे? सबसे पहला इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अब देखो ये इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं शायद, कि इनपुट एफिशिएंट, देखो कोई नया नहीं है। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी आपको इस प्रकार से लगानी है, आपको इनपुट इस प्रकार से लगाने हैं कि आपका आउटपुट मैक्सिमाइज्ड हो। अब आउटपुट मैक्सिमाइज्ड कैसे? देखो रॉ मटेरियल इस प्रकार का लगाओ या ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करो जिससे मटेरियल तो कम लगे बट आउटपुट आपका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक। तो उससे होगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप ऐसा है कोयल पेट्रोलियम डीजल बर्बाद करते जा रहे हो, फ़ायदा कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ बेनिफिट होगा नहीं होगा। एक एग्जांपल और देता हूँ, सपोज करो एक तो टैक्सी चलती हैं जिसमें डीजल डलता है या पेट्रोल डलता है, टैक्सी चलती हैं, सीएनजी चलती हैं, पता चला सीएनजी में एवरेज भी ज़्यादा दे रहे हैं और आपके नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, आप किसका इस्तेमाल करोगे? जाहिर सी बात है सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सेम यहाँ पर है, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आपको लगानी है, वो टेक्नोलॉजी जिसमें इनपुट कम से कम लगे, इनपुट अच्छे से अच्छा लगे और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आए, बेटर से बेटर आए, वो भी विदाउट एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट पर हमारा सेकेंड है यूज ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सेकेंड चीज है कि जहां पे भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जगह क्या इस्तेमाल किया जाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली जैसे भी मैंने सीएनजी का इस्तेमाल दिया कि डीजल वगैरह जितनी चलने वाली गाड़ियां हैं, डीजल से चलने वाली, पेट्रोल से चलने वाली, इन सबको हटा के किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों का। तो सीएनजी से जनरली इजिली अवेलेबल होती है और इससे कम पॉल्यूशन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी बर्बाद नहीं होते। इसके बाद इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से बनाए जाए जैसे अपन लोगों ने सुने ना 5-year plans, 5-year plans में रूरल एरियाज के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स सुने होंगे, मेजर टू रिमूव पॉवर्टी बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए वो सारे, जैसे स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, मनरेगा हुआ, आपका 20 प्लान वो हुआ, ये सब आपने सुने होंगे। तो
कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए प्लान्स और पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो इस प्रकार से बनाई जाएं कि लोगों को रूरल एरिया में ही काम मिल जाए, यानी वो अर्बन की तरह ना भागें, क्योंकि अर्बन की तरह भागेंगे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा, उसके अलावा फिर नॉइस पॉल्यूशन होगा, फिर आपका एयर पॉल्यूशन होगा ये साल। तो जनरली जो इंसान माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करने से अर्बनाइजेशन बढ़ता है, और अर्बनाइजेशन बढ़ेगी तो पेड़ पौधों की कटाई होगी, आपके हर एक मतलब पॉल्यूशन अपने आप ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। तो कोशिश करना है कि जो भी गवर्नमेंट ये पॉलिसीज या प्लान्स बनाती है, जो भी योजनाएं बनाती है, उनमें लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वहीं के वहीं रोजगार उन्हें मिल जाए, उन्हें शहरी क्षेत्र की तरह ना माइग्रेट करना पड़े। ठीक, तो ये आप तीन पॉइंट आप समझ गए, बाकी मैं आपसे छह पॉइंट और लेके आता हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, तो आप इसे नोट कर लो या फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जल्दी से करो, मैं लेके आता हूँ आपके लिए छह और पॉइंट्स। चौथा पॉइंट है हमारे पास, कन्वर्ट सनलाइट इंटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसको, सोलर एनर्जी को, सनलाइट को आपको सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिसिटी में। देखो भारत जैसे देश के पास सनलाइट अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद है, ध्यान रखना। आप कहोगे सर आप ओनली इंडिया की बात करो, बाकी सबके पास ही अनलिमिटेड है। देखो कुछ देश ऐसे हैं जिनमें 6-6 महीने तक सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, और सनलाइट की अगर बात करें, सोलर एनर्जी की अगर बात करें, तो ये अनलिमिटेड है। दूसरी बात, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक, तो अब और दूसरी चीज़, आजकल की डेट में सोलर एनर्जी या आप लोगों ने सोलर पैनल सुने होंगे, इनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो ज़रूरत है इनका डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ गति से हो, जिससे सनलाइट का इस्तेमाल किया जाए सोलर एनर्जी में, और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए इलेक्ट्रिसिटी में। क्योंकि अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जो सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम है वो अपने या तो थर्मल पावर स्टेशन से होता है, या हाइड्रो पावर स्टेशन से होता है, या जियो पावर स्टेशन से होता है, इन सब से होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें तो इन सभी स्टेशन से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, खासकर हम लोग बात करें थर्मल पावर स्टेशन से, तो क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, कोयल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कोयल के इस्तेमाल से, कोयल हमारे पास मौजूद तो है देश के अंदर, बट इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो बेटर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए और पॉल्यूशन को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाए, सनलाइट का। तो सनलाइट कन्वर्ट की जाए सोलर एनर्जी में, और सोलर एनर्जी कन्वर्ट की जाए इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो जो हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सब की बजाय अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो पहली चीज़ तो पॉल्यूशन कम होगा। पॉल्यूशन तो याद है ना कैसे होता है, देखो क्या होता है, बारिश होती है, खेतों में पानी आता है, और जो खेतों में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाला गया था वो पानी के रास्ते नदियों में पहुंच जाता है, और वही पानी फिर हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन होता है। तो बेटर रहेगा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक तो हेल्दियर टेस्टियर फूड रहेगा, दूसरी चीज़ पॉल्यूशन नहीं होगा, तीसरी चीज़ हमारी सोयल इरोजन नहीं होगी। ठीक, यानी जमीन की फर्टिलिटी बनी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेज दी वेस्ट। जो वेस्ट है, चाहे तो आपका कंज्यूमर वेस्ट है यानी हाउस होल्ड वेस्ट है, चाहे आपका प्रोडक्शन वेस्ट है, दोनों पे को ही मैनेज किया जाए, दोनों को खुले में ना फेंका जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोज किया जाए जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूट ना हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रिंग नेट लॉज। अब देखो बहुत सख्त नियम बनाए जाए, कानून बनाए जाए, किसके ऊपर, ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स। जो केमिकल एफ्लुएंट्स जो फैक्ट्री से निकलते हैं, जैसे लेदर फैक्ट्री वगैरह की बात की थी, केमिकल काफ़ी निकलते हैं जो नदियों में जाके मिलते हैं, जिससे हमारा पानी प्रदूषित होता है, इनके ऊपर काफ़ी कड़क नियम बनाए जाए, ताकि जो कंपनीज से, जो इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं केमिकल एफ्लुएंट, इनको कंट्रोल किया जा सके, इनको ठीक तरीके से डिकम्पोज किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर द इंटर जनरेशनल इक्विटी। पहले तो यही समझ लो, इंटर जनरेशनल इक्विटी। इंटर जनरेशनल इक्विटी का मतलब, एक हमारी जनरेशन है, एक फ्यूचर जनरेशन है, एक जो बीत चुकी जनरेशन वो है, और जो फ्यूचर की फ्यूचर आने वाली जनरेशन है, सबके बीच में समानता बन जाए। समानता बन जाए का मतलब, हम भी उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक तरीके से, आगे आने वाली जनरेशन भी उनका इस्तेमाल करे, आगे आने वाली जनरेशन फिर उनका इस्तेमाल करे, मतलब सबके भी समानता बनी रहे, सभी बराबर बराबर रूप तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उन्हें हम लोग बोलते हैं इंटर जनरेशनल इक्विटी। अब था क्या पॉइंट, अवेयरनेस। हमें अवेयर करना है लोगों को, किसके लिए,
कंजर्व नेचुरल एसेट्स, और नेचुरल एसेट्स से आपको नेचुरल कैपिटल ध्यान हो तो पेड़ पौधे जो भी हमें प्रकृति के द्वारा चीज़ें प्राप्त हैं वो हमारी नेचुरल एसेट्स कहलाती हैं, तो इन सबको हमें कंजर्व करना है। अच्छा, इन सब के लिए आपको पुस्तकों में आपको चिपको मूवमेंट के बारे में दे रखा होगा, एपिको मूवमेंट के भी बारे में दे रखा हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो ये दो चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी। अब देखो कहाँ हुआ, किस डेट पे हुआ, किन किन राज्यों में चलाया गया, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। टॉपिक में है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आप कहोगे सर आप क्यों नहीं बता रहे हमें, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अभी लेके आऊँगा, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊँगा, उसमें ये सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। अब देखो समझा करो, इतनी चीज़ें मुझे भी याद नहीं रहती, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ कवर करवा दूंगा, और नहीं भी कवर करवा पाऊँ तो आप ये दो मूवमेंट चिपको मूवमेंट एपिको मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा जरूर देख लेना, एटलीस्ट इतना देख लेना किन किन राज्यों में चलाया गया, इनमें हुआ क्या क्या, लोग पेड़ों से चिपक गए थे ताकि वो पेड़ वगैरह ना काटें, और उनका जो मेन मकसद था वो एनवायरमेंट को बचाना नहीं था, ये चीज़ ध्यान रखना। पेड़ों से जो चिपको थे ना, जिसको हम लोग चिपको मूवमेंट देख रहे थे, वो आप लोगों ने सुना होगा सब कुछ, तो वो पेड़ों को बचाना मतलब एनवायरमेंट को कंजर्व करना नहीं था, उनका मतलब सिर्फ ये था कि वो लोग वहाँ के गरीब प्राणी थे तो वो लोग क्या करते थे, अपनी क्या कहते पेड़ों से लकड़ी वगैरह फल वगैरह तोड़ ताड़ के वो अपना जीवन यापन करते थे, तो अपनी आजीविका को बचाने के लिए उन लोगों ने चिपको मूवमेंट चलाया था। तो ये सब बातें हैं, आपको कोशिश करूँगा किसी वीडियो में आपको उसे लर्निंग की, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आपको उसे करवा दूंगा। इसके बाद तो ये चीज़ आप समझ गए हुए, और लास्ट पॉइंट है पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा है एक ही बार में काफ़ी सारे लोग पहुंच जाते हैं, बट प्राइवेट व्हीकल से आप अकेले जाते हो, आप अकेले ज़्यादा पॉल्यूशन करते हो, और जो आपकी पब्लिक व्हीकल होगी वो तो पॉल्यूशन करेगी करेगी, तो यहाँ डबल हो जाता है, अगर आप पब्लिक का इस्तेमाल करो तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो पब्लिक व्हीकल्स जैसे आपका हुआ रेलवेज हुआ, जो आपकी रोडवेज बस हुई गवर्नमेंट की, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके भी हम पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही, और चैप्टर अगर आपको समझ में आया हो तो यार लाइक ज़रूर ठोक देना, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। बाकी वीडियो देखने के लिए तो बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, बोलते ही हूँ हर एक वीडियो में, और स्क्रीनशॉट क्या बोलूँ, सब पता ही है, ले लो जिसको जो लेना हो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।